आप देख रहे हैं TNB। चारा घोटाले मामले में दोषी करार RJD सुप्रीमो लालू यादव को इस बार एम्स में एडमिट कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जी हां, एक बड़ा सियासी चेहरा होने के बाद भी 10 घंटे तक उनके एडमिट होने पर संशय बरकरार रहा। इसके पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल दबाव होने की बात सामने आई है। जी हां, सूत्रों की माने तो लालू यादव को फिलहाल दिल्ली से दूर रखने की तैयारी थी। दरअसल 30 मार्च को दिल्ली में गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी नेताओं का जुटान होना है। इसमें लगभग 10 राज्यों के CM और तीसरे फ्रंट पर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे और के चंद्रशेखर राव से स्टालिन तक इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं विपक्षी एकजुटता में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अहम रोल अदा कर सकते हैं। उनके एम्स दिल्ली में रहने पर नेताओं की उन तक पहुंचने में आसानी हो सकती है और वहीं BJP नहीं चाहती कि लालू आसानी से इन नेताओं से मिल पाए। यही कारण है कि जिस एम्स में उनका इलाज पिछले एक साल से चल रहा था, वहीं उन्हें एडमिट करने से मना किया जा रहा था। यहां तक कि राज्यसभा चुनाव की लॉबिंग से भी उन्हें दूर रखने की गई है कोशिश। इसके साथ ही 31 मार्च को राज्यसभा का चुनाव भी होना है। इसके लिए भी दिल्ली में अलग अलग दलों की लॉबिंग जारी है। राज्य में नेताओं को लालू से मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दिल्ली में ये काम आसान है। पिछले साल भी एम्स में बड़ी आसानी से नेता आकर मुलाकात करते थे। एम्स में लालू को रोकने का एक ये बड़ा कारण भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही रिम्स ने बताया था कि लालू की स्थिति गंभीर है। इससे पहले रिम्स में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद 22 मार्च की शाम 8 बजे लालू यादव रिम्स रांची से चार्टर्ड ट्रेन से एम्स दिल्ली लाया गया था। वो रात भर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद सुबह 4 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो रांची लौटने की सारी तैयारी कर लिए थे। इसी बीच उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर के बाद 23 मार्च की दोपहर 3 बजे के बाद उन्हें एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट कराया गया। मालूम हो कि RJD सुप्रीमो की किडनी खराब हो गई है। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद मौखिक रूप से उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी है। लालू यादव से डोनर तैयार करने के लिए भी कहा गया। उनकी किडनी मात्र 10% हिस्सा काम कर रही है। डॉक्टर के मुताबिक किडनी का जो क्रिएटिन लेवल 1 से नीचे रहना चाहिए, लालू प्रसाद का वो बढ़कर 5 से ज्यादा हो गया है। अहम बात ये भी है कि पिछले साल 5 महीने तक एम्स में लालू एडमिट थे। 23 जनवरी 2021 को भी स्थिति बिगड़ने के बाद लालू यादव को रिम्स से एम्स शिफ्ट किया गया था। यहां लगभग 5 महीने इलाज के बाद उन्हें मई में डिस्चार्ज किया गया था। इस दौरान अप्रैल में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। इसके बाद कुछ महीने वो दिल्ली में अपनी बेटी मीशा भारती के आवास में रहे। इस बीच दिसंबर 2021 में एक बार फिर से एम्स में उन्हें कुछ दिनों के लिए एडमिट किया गया था। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।